हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका डीमैट अकाउंट आईसीसी सिक्योरिटीज में है तो आप उसके मोबाइल ऐप आईसीसी डायरेक्ट में वॉच लिस्ट ऐड कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके पहले मैंने आईसीसी डायरेक्ट मार्केट ऐप के लिए बना चुका है वीडियो, लेकिन अभी मैं बना रहा हूँ आईसीसी डायरेक्ट ऐप के लिए। दोस्तों, दोनों ऐप अलग अलग है, आईसीसी डायरेक्ट मार्केट ऐप अलग है और आईसीसी डायरेक्ट ऐप अलग है। तो मैं आज आईसीसी डायरेक्ट ऐप के लिए एक सीरीज बनाने वाला हूँ, जिसमें आज आपको सबसे पहले वीडियो में बताने वाला हूँ कि इसमें वॉच लिस्ट ऐड कैसे करना है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं मोबाइल की ओर। तो यहाँ पास मैंने मोबाइल में आईसीसी डायरेक्ट ऐप को लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद ये हमारा होम इंटरफेस है, जो कि आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप नीचे में देखेंगे तो आपको 6 ऑप्शन मिलता है, होम, वॉच लिस्ट, पोर्टफोलियो, ऑर्डर, टूल्स एंड मेनू का, जो कि आईसीसी डायरेक्ट मार्केट ऐप में नीचे का ऑप्शन कुछ अलग ही था और यहाँ पास आईसीसी डायरेक्ट ऐप में नीचे का ऑप्शन कुछ अलग है। तो दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस तो है ही। तो आज मैं आपको आईसीसी डायरेक्ट ऐप में वॉच लिस्ट ऐड करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पास हम नीचे की ओर वॉच लिस्ट वाला ऑप्शन में क्लिक कर लेंगे। वॉच लिस्ट वाला ऑप्शन में क्लिक करने के बाद यहाँ पास आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपका प्री डिफाइंड वॉच लिस्ट है, जो कि आईसीसी सिक्योरिटी द्वारा खुद ब खुद ऐड है, जो कि आप देख सकते हैं निफ्टी 50, मतलब कि आपका निफ्टी 50 में जो भी 50 स्टॉक्स ऐड है वो यहाँ पास शो करेगा। उसी प्रकार अगर आप निफ्टी 50 के बगल में दीर्घ निशान में क्लिक करेंगे तो आपको सारे वो इंडेक्सेस दिख जाएंगे जिसका स्टॉक आप देख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पास निफ्टी बैंक में क्लिक करता हूँ तो निफ्टी बैंक में जो भी बैंक का स्टॉक ऐड है वो यहाँ पास शो कर देगा। तो ये आपका प्री डिफाइंड वॉच लिस्ट है। उसके बाद अगर आपको कोई भी वॉच लिस्ट को ऐड करना है या फिर आपको प्री डिफाइंड में से किसी भी एक स्टॉक ऐड करना है, जैसे कि अगर आप एक्सिस बैंक को ऐड करना चाहते हैं वॉच लिस्ट में, तो यहाँ पास आपको प्लस का अकाउंट में क्लिक कर देना है। प्लस का अकाउंट में क्लिक करने के बाद यहाँ पास आपको वॉच लिस्ट आ जाएगा, वॉच लिस्ट 1, 2, 3, 4, 5, आपके पास 5 वॉच लिस्ट है जिसमें आप 50-50 स्टॉक्स ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पास आपको जो भी वॉच लिस्ट में ऐड करना है आपको सिंपली उसमें क्लिक करके ऐड वाले बटन में क्लिक कर देना है, तो आपका प्री डिफाइंड इंडिसेस में से स्टॉक्स वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पास वॉच लिस्ट 2 में चले जाते हैं। वॉच लिस्ट 2 में आने के बाद यहाँ पास आप देख सकते हैं एक्सिस बैंक का स्टॉक्स यहाँ पास ऐड हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पास वॉच लिस्ट 1 में चले जाता हूँ। अब मैं यहाँ से आपको स्टॉक्स ऐड करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पास आपको सिंपली सर्च बार में क्लिक कर लेना है। सर्च बार में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पास स्टॉक सर्च कर लेना है। स्टॉक सर्च करने के बाद यहाँ पास आप देख सकते हैं, मैंने जैसे ही टाटा लिखा तो यहाँ पास टाटा की सारी कंपनी आ चुकी है। TCS यहाँ पास आप देख सकते हैं, TCS का NSE भी है और BSE भी है। उसी प्रकार टाटा कंज्यूमर का भी NSE स्टॉक्स आया है और BSE का भी स्टॉक्स आ चुका है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप नीचे में देखेंगे टाटा मोटर का NSE और टाटा मोटर का BSE, तो इस प्रकार से आपका स्टॉक्स आ चुका है। अब आप जो भी स्टॉक्स ऐड करना चाहते हैं उसमें आप सिंपली प्लस वाला अकाउंट में क्लिक कर देना है। तो यहाँ पास मैं टाटा मोटर का BSE का स्टॉक्स ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं प्लस वाले अकाउंट में एक बार क्लिक कर लूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पास हमारे स्टॉक्स ऐड हो चुका होगा। अब मैं यहाँ पास टाटा कंज्यूमर को भी ऐड कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ पास फिर से प्लस वाले अकाउंट में क्लिक कर लूंगा। प्लस वाले अकाउंट में क्लिक करने के बाद अब हम यहाँ पास बैक चले जाते हैं। फिर से मैं यहाँ पास बैक चले जाता हूँ। बैक आने के बाद यहाँ पास आप देख सकते हैं, जो कि हमने ऐड किया था टाटा मोटर BSE का स्टॉक्स, वो यहाँ पास वॉच लिस्ट 1 में ऐड हो चुका है। उसी प्रकार टाटा कंज्यूमर का भी NSE का स्टॉक्स यहाँ पास वॉच लिस्ट में ऐड हो चुका है। तो दोस्तों, अब इतनी आसानी से स्टॉक्स ऐड कर सकते हैं वॉच लिस्ट में। अब अगर आपको कोई भी स्टॉक्स को रिमूव करना है इस वॉच लिस्ट से, तो वो कैसे करना है? तो आपको सिंपली जिस भी स्टॉक्स को रिमूव करना है उसमें प्रेस करके रखना है बटन को। मतलब कि मैं पास टाटा कंज्यूमर स्टॉक्स को यहाँ से रिमूव करना चाहता हूँ, तो यहाँ पास आप देख रहे हैं मेरा माउस का कर्सर टाटा कंज्यूमर में। अब मैं यहाँ पास लेफ्ट क्लिक को दबा के रखूंगा। उसके बाद यहाँ पास आप देख सकते हैं, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट टाटा कंज्यूमर फ्रॉम वॉच लिस्ट? तो आपको यस में क्लिक कर देना है। तो यस में क्लिक करते ही आपका टाटा कंज्यूमर का स्टॉक्स यहाँ वॉच लिस्ट में हट चुका है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप वॉच लिस्ट में से स्टॉक को रिमूव भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। और आपको यहाँ पास टोटल 5 वॉच लिस्ट मिलेगा, वॉच लिस्ट 2, 3, 4, 5, जिसमें आप 50-50 स्टॉक्स ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप 250 स्टॉक्स आसानी से ऐड कर सकते हैं, जो भी आप चाहते हैं। तो दोस्तों, ये तो हो गया वॉच लिस्ट में ऐड करना। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप आसानी से वॉच लिस्ट में स्टॉक्स ऐड कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। लेकिन आप इसमें नया वॉच लिस्ट नहीं बना सकते, आपको 5 वॉच लिस्ट के अंतर्गत ही आपको काम करना होगा। कुछ ब्रोकर फर्म में आपको नया वॉच लिस्ट बनाने का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पास आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पास आप अपने वॉच लिस्ट का नेम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पास वॉच लिस्ट 1 लिखा हुआ है, उसमें मैं प्रेस करके रखूंगा तो यहाँ पास आप देख रहे हैं नीचे में रीनेम वॉच लिस्ट का ऑप्शन आता है। तो यहाँ से आप अपना वॉच लिस्ट चेंज कर सकते हैं। वॉच लिस्ट नेम चेंज करने के बाद यहाँ पास आपको रीनेम में क्लिक कर देना है, तो आपका वॉच लिस्ट का नेम चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार से वॉच लिस्ट का नेम तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप 5 वॉच लिस्ट से ज्यादा वॉच लिस्ट नहीं बना सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपने तो स्टॉक्स ऐड करना सीख लिया है। अब अगर आपको निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी या फिर कोई भी इंडिसेस का स्ट्राइक प्राइस ऐड करना नहीं आता है, तो आप कमेंट कीजिएगा, वो मैं आपको वीडियो बनाकर बता दूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।